अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे साथ हैं आज काशी भाई। काशी भाई क्या हाल है जी। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे YouTube चैनल YN TV को फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ जी काशी भाई, ये बताइएगा इस ट्यूबवेल के बारे में। तकरीबन कोई 1.5 लीटर डीजल में ये 1 घंटा चलता है। ये इसका बड़ा फायदा है कि छोटे जाति लोग लगाते हैं, क्योंकि हम छोटा जाति के लगाते हैं, अपनी जमीन पर पानी लगाना होता है, अपने कपड़ों को पानी लगाना होता है। ये आपके सामने कपास कपास है, इधर ये भी सामने कपास है, और कपास वगैरह भी लगाया हुआ जानवरों के लिए। ये इसका ये सबसे आगे पानी के लिए क्या है, इससे ये पानी अच्छा। काशी भाई ये क्या हो जाए कि तहसील लियाकतपुर में ये ट्यूबवेल का पानी इतना ऊपर क्यों, इसकी क्या वजह है। ये क्योंकि यहाँ पे सेम काफ़ी ऊंचा है, इससे जब यहाँ का पानी जो है ऊंचा है, बाकी साइड पे अहमदपुर साइड पे आप चले जाएँ वहाँ पे सेम नीचे और पानी बहुत ज़्यादा नीचे है। ये वजह है, ये अल्लाह का शुक्र है कि पानी ऊपर है। तो इसके आप में अखराजात की कमी आएगी या बराबर ही होते हैं। बिल्कुल अखराजात की कमी आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे आता है पानी, अगर हम नलके वगैरह का बोर करवाएँ तो वहाँ पे हमारा होता है तकरीबन 40 से 50 फुट। अगर हम ट्यूबवेल वगैरह का बोर करवाते हैं तो वहाँ पे हमारा होता है तकरीबन 80 से 90 फुट होता है। तो यहाँ पे ये अखराजात कम होते हैं। अगर आप उस साइड निकले जाएँ तो उनका तकरीबन पंखा जो है 100 फुट पंखा बड़ा होता है। मतलब आप 200 रुपये के डीजल में कितने काश को पानी लगा सकते हैं। 200 रुपये के डीजल में अगर 200 रुपये में 2 लीटर आता है तो 2 लीटर के अंदर ये 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा, और 1.5 घंटे के अंदर तकरीबन ये 4 कनाल का पानी लग जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा काशी भाई ये वो ट्यूबवेल है, मतलब इंजन जिसे कहते हैं, तो ये आपने इसको कचरा क्यों किया हुआ इतनी, ये देखें इस पर मट्टी, ये कैसे चलता है, ये काम करता है, वर्क कर रहा है। देखें जी इसकी ये मट्टी में तो वर्क नहीं करना होता, इसका जो अंदर से इंजन है वो बिल्कुल ठीक है। एक तो नई चीज़ जब रखी जाती है ना उसके बाद तो ये मट्टी वगैरह भी ऊपर आती है, अगर बिल्कुल नई चीज़ पड़ी है तो चोरों की भी इसके ऊपर नज़र रहती है। इस वजह से हमने ये एक डिब्बा लगाया हुआ है ताकि जब चलाना है इसे। अच्छा ये वो पंखा है जो मतलब है पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं आप। हाँ जी ये पंखा है और ये बेल्ट है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो ये बेल्ट है ये अपना। अच्छा ये जो ढक्कन है, फर्ज करें ये ढक्कन, ये तो ढक्कन ऊपर है यहाँ से मतलब डीजल वगैरह डालते हैं, तो आप ये डीजल कैसे डालते हैं बिना ढक्कन के। ये वैसे टैंकी के ऊपर रखी हुई है, डीजल हम इस डब्बे में डालते हैं जितना चाहिए होता है ना। अच्छा यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। सही और डीजल इसके अंदर डाल दें, जितना चलाना है उतना डीजल इसके अंदर डालना है। अगर टैंकी के अंदर डीजल डालते हैं तो लोग इसके अंदर कचरा वगैरह भी डाल देते हैं या मिट्टी वगैरह डालते हैं, जिससे ये इंजन रुक जाता है। सही। या पानी भी डाल देते हैं।